हेलो लीव्स, वेलकम टू माय चैनल रीम टैट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के हवाले से रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आपसे फोन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लियोज, आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं इन मंथ ऑफ जनवरी? ओके, अंडरनीथ आपके पास है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ, क्वीन ऑफ सोर्स, जस्टिस, एट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके लियोज, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर रिजॉल्वमेंट के लिए, सेकंड चांस के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि रिकन्सिलिएशन जो है वो बहुत करीब करीब है। हो सकता है उन्होंने कोई कोशिश की हो किसी हेल्प के थ्रू, किसी की मदद से, या तो फादर फिगर, किसी फादर फिगर की मदद से, या फिर उन्होंने ख़ुद कोई बोल्ड डिसीजन लिया है इस रिकन्सिलिएशन के लिए विद यू। तो उनको लगता है कि अब जो है टाइम करीब करीब है कि वो आपके साथ दोबारा से पैचअप कर सकते हैं। हो सकता है आप दोनों में बहुत अरसे से नो टॉकिंग सिचुएशन है, तो यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। उन्होंने की है कोशिश, जैसे कि मैंने कहा कि बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिया है, उन्होंने बैलेंस करने के लिए चीज़ों को कोशिश की है। बट करेंटली लाइक करेंटली वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अगर उनकी तरफ से ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ, चाहे वो नए पर्सन हो चाहे पुराने एग्जिस्टिंग, या आप कोई पुराना पर्सन, उनकी तरफ से कोई आपके पास लव ऑफ़र आ रही है, तो ये जो भी प्रोसेस चल रहा है ये बहुत स्लो है। वो अपना पार्ट अदा करके जो है वो अब बस इंतज़ार में है कि आपका क्या, आपकी क्या सिचुएशन रहती है। हो सकता है वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। ये ज़्यादा चैलेंज है उनके लिए, ये चैलेंज है इस टाइम पे कि चीज़ें करीब करीब हैं बट वो पूरी तरीके से जो है वो कंप्लीशन तक नहीं पहुंची हैं। हो सकता है आप लोग में नो कांटेक्ट है और जस्ट वो एग्जैजरेट करके इस सिचुएशन को सोच रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि जस्ट अब एंड है और अब सब ख़त्म। और कुछ मतलब जो भी सिचुएशन है उनके जहन में बहुत सारी मैनिपुलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं इस सिचुएशन को आपको, और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके दिमाग में मौजूद है इस वक्त। और वो अपने इमोशंस को वो ऐसे बन रहे थे पास्ट में कि उनको कोई परवाह नहीं है या उनके अंदर इमोशंस नहीं है, वो कुछ फील नहीं करते। उन्होंने हाइड किया हुआ था, छुपाया हुआ था अपने इमोशंस को। सो ये जो वो सोच रहे थे ये लाइक इमोशंस हैं उनके लिए, उनके अंदर फीलिंग्स हैं आपके लिए, फीलिंग्स थी बट वो हाइड कर रहे थे, बता नहीं रहे थे। सो या उनको बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है अपने इमोशंस में, उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। दो के वो आपसे अटैचमेंट रखते हैं, इमोशनल अटैचमेंट, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था कि वो कोई स्टेप फर्दर नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने किसी की मदद से या ख़ुद से बोल्ड डिसीजन लिया और अब वो एक स्टेप लिया है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, जस्टिस करने के लिए सिचुएशन में। बट जो है वो ब्लॉकेज अभी भी यही है, चैलेंज यही है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कुछ ट्रुथ जो है वो सामने नहीं आ पा रहा, किसी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही इस वजह से।
वो अभी भी इन फ्यूचर में भी लेफ्ट आउट इन अ कॉल, लाइक कोई स्टेबिलिटी उनकी तरफ से, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं इस सिचुएशन में, जिस चीज़ का वो वेट कर रहे थे उनको करीब करीब नज़र भी आ रहा था कि रिजॉल्वमेंट का टाइम अब है, हो सकती है उन्होंने कोशिश की, बट हो सकता है उनको लगता है कि जो जो कोशिश करें उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो एंड इन द एंड वो यही सोचेंगे और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा लैक ऑफ स्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं उनकी लाइफ में, तो ये सब चीज़ें एग्जैजरेट करके वो सोच रहे हैं कि चीज़ें अब बेटरमेंट की तरफ नहीं जाएंगी। सो जो भी नेगेटिविटी उनके माइंड में है, पहले उनको इससे बाहर निकलना होगा, उसके बाद हो सकता है कि कम्युनिकेशन का जो ये नो कम्युनिकेशन का जो चैलेंज है वो उनके लिए उनके पूरा हो सके, लाइक ख़त्म हो सके। सो लियोज़, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑल जनवरी। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।